यहाँ पर निकल रहा है पानी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर है। या मैं यहाँ हाथ रखूँगा तो यहाँ जाना बंद, मतलब कि आप यहाँ से जो वैक्यूम है वो भी काम में ले सकते हैं। मेरे भाई मेरी ये वीडियो पूरी हिंदी में होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और सरब भाषा में होगी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं जो ये एसएमडी आप देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू एसएमडी है जो कि मैक्स पर्मा की तरफ से है। यहाँ पे एकदम चालू कंडीशन पे है। यहाँ पे मैंने बटन ऑन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, सारे काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और हम इसे खोल के आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। तो इसको स्क्रू की मदद से पहले ही मैंने चार स्क्रू खोल लिए थे, चार स्क्रू आप ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए स्क्रू मैंने ऑफ वीडियो में खोल लिया था। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको पहले बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अंदर में खूब सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ लाइट जल रही है लेकिन मुझे करंट मारने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जो कि इसको सप्लाई देता है ये मोटर को, जो कि मोटर इसमें लगा था, ये था मोटर, इसकी मदद से यहाँ टाइट ही था। बहुत ही ज़्यादा आप समझ नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा टाइट तरीके से कनेक्ट था कि आपको इसमें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पावर हुआ। मैं कहीं कहीं पर क्लिप डाल दूंगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हीट था जिसकी वजह से यहाँ पर ये तार थोड़ा सा जल चुका है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम बंद कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये जो ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर ये मोटर को पावर देने के लिए लगा है, ठीक है। तो इसमें से 12 वोल्ट निकलती है, इसमें चलते हैं एसी 12 वोल्ट, यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट होने वाला ये सिस्टम लगा है। तो इसको अपन साइड में रखते हैं, इससे अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट है। मैं काट वाट के निकाला इसको, ठीक है। तो इसको अपन साइड में करते हैं। इसको साइड में करने के बाद यहाँ पे आपको तीन सिस्टम मिलता है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर, यहाँ पे एयर जाने वाला, और यहाँ पे कॉइल कनेक्शन आपका रहता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आपका ये हो गया, ये पूरा सिस्टम है। ये सिस्टम के बारे में बाद में जानेंगे अपन, पहले देखते हैं इस वीडियो पे। पहले मैं इसको प्लग से निकाल लेता हूँ, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ, ठीक है। साइड में रखने के बाद मैं आपको इसमें सिर्फ इसके बारे में बताऊँगा, इसके बारे में बताऊँगा कि आप इससे क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, तो आप इससे किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि इसमें इधर से एयर निकलता है। बहुत ही पावरफुल एयर है जो कि हम इस सभी ट्रांसफार्मर से चलाएंगे और आपको दिखेगा, ठीक है। इसमें से बहुत ही ज़्यादा एसी भी आप बना सकते हैं, और कहीं पे कंप्रेसर का काम करना है वो भी कर सकते हैं, बलून फुलाने वाला प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं आप इसमें से, काफ़ी ज़्यादा सारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं इससे। खराब किसी भी खराब एसएमडी से आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें बटन अभी ऑफ है ये है, ठीक है। तो पहले मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने कनेक्ट किया, ये देख सकते हैं आप, ये इसमें पानी में आप ब्लो देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये प्रेशर मार रहा है, ठीक है। आप समझ ही गए हो कि कितना ज़्यादा ये आवाज़ कर रहा है, कितना ज़्यादा चल रहा होगा, आपको पता चल ही गया होगा कि कितना स्पीड से ये चल रहा है। तो इससे आप कई सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैं बता दिया बलून फुलाने वाला प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, किसी भी कंप्रेसर को आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक वैक्यूम है, जो वैक्यूम है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर काम ये कैसे करता है। पहले मैं इसको सिर्फ एक ही प्लेस है जहाँ से ये हवा ले सकता है, अभी ये हवा दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर निकल रहा है पानी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं यहाँ हाथ रखूँगा तो यहाँ जाना बंद, मतलब कि आप यहां से जो वैक्यूम का है वो भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके की और वीडियो देखनी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है तुरंत आए और सबसे पहले आए और सबसे पहले वीडियो मेरी देख सकें आप। तो गाइज थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो पर।